हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे देव इलेक्ट्रिकल एंड टेक्निकल चैनल पर। दोस्तों आज हम 10 HP इंडक्शन मोटर की रिवाइंडिंग करेंगे। दोस्तों किलोस्कर कंपनी का ओल्ड मोटर है, का ये 36 स्लॉट का स्टेटर है इसका। आज हम आपकी इसकी रिवाइंडिंग करना सिखाएंगे, आपको इसकी रिवाइंडिंग कैसे थी। दोस्तों इसके अंदर हम डबल लेयर में वाइंडिंग करेंगे, दो दो कोयल का प्रत्येक सेट बनेगा, 18 सेट बनेंगे दो दो कोयल के। देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से जॉइंट वाले सेट है, और इसकी पिच है 1 से 6 प्रत्येक कोयल 1 से 6 की पिच में डलेगी। दोस्तों हम यहाँ से पहली कोयल डालना स्टार्ट करेंगे। अब इधर हम इधर की साइड चलेंगे, इसके अंदर स्टोर कर दिया। देख लीजिए दो कोयल का अगला सेट हम इसके अंदर डालेंगे। आपको बीच बीच में स्लॉट इसको स्किप नहीं करने है, इसके अंदर ही डबल लेयर में वाइंडिंग है। इसके अंदर आपको रेगुलर चलना है स्लॉट या भी स्लॉट। हम अगली कोयल डालेंगे यहाँ से जस्ट इसके ऊपर वाले स्लॉट के अंदर से। देख लीजिए दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5 से इसके अंदर 7 नंबर लेड बोर्ड पेपर डालेंगे यहाँ। अब इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6 के अंदर स्लॉट के अंदर इसको इंस्टॉल कर देंगे हम यहाँ पे। इस प्रकार से इसको डालना है स्लॉट के अंदर। और दोस्तों बीच बीच में आपको क्रॉस पेपर भी लगाते रहना है, जैसे हमारे 2 सेट हो गए इसके ऊपर 2 सेट दूसरा कोयल आएंगी उसके बीच में आपको सेपरेटर लगा देना है साथ के साथ। बीच में सेपरेटर लगा देना आपको, आपको इस प्रकार के डबल सेट बीच बीच में आपको लगा देनी है प्रत्येक सेट के बीच में इस प्रकार से। पीछे की साइड भी लगा देंगे हम। इस प्रकार से अगली कोयल आपको डालनी,
दोस्तों इसी प्रकार हम सारी कोयले डाल देखिए दोस्तों हमने इसके अंदर 6 सेट तो इंस्टॉल कर दिए हैं। ये 7वां नंबर का सेट है जिसकी अभी एक कोयल बाकी है, ये इसकी पहली कोयल है। इस प्रकार से हम इधर की साइड रिवाइंडिंग करते चले रहे हैं, तो हम सभी साइड चले हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों यहाँ से डबल होती चली जाएंगी, यहाँ पे मर्चिंग कोयल है, इस प्रकार आगे बढ़ते चली जाएंगी और यहाँ से डबल करते चली जाएंगी। इस प्रकार ये पूरी चेन वाइंडिंग होगी और दो कोयले ये है और दो कोयले ये है हमारी, जस्ट इसके नीचे ये दो कोयले, इनको भी हमको ऊपर उठाना है और इसके नीचे कोयले हमको बाद में दबाना है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। देखिए दोस्तों और साथ के साथ इसके कनेक्शन है, तो हमने अभी इसके कनेक्शन नहीं किए, लेकिन ये प्रत्येक सेट के दो दो तार एक जगह कर दिए मैंने ताकि कनेक्शन करने में कोई दिक्कत ना हो। मैं इधर से दिखा देता हूँ आपको, देखिए दोस्तों बीच बीच में आपको इस प्रकार से सेपरेटर भी साथ के साथ लगाते चलना है, जिससे हमारी मोटर क्रॉस होने का खतरा बिल्कुल नहीं रहता है। और दोस्तों बीच बीच में हम ये 10 नंबर लेदर पेपर लगा रहे हैं जिसके बीच में हम कोयल आती है, 7 नंबर भी लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। और ऊपर 7 नंबर पीवीसी शीट लगा रहे हैं हम सफ़ेद वाली, देखिए दोस्तों बहुत सिंपल है ये वाइंडिंग, चेन वाइंडिंग। ये 960 RPM की मोटर है, ये स्टार डेल्टा पर चलती है दोस्तों। इसके मैं आपको कनेक्शन भी दिखा दूंगा प्रैक्टिकल रूप से, इसके कनेक्शन की डायग्राम मैंने पहले वीडियो अपलोड कर रखी है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक डालूंगा, आप वहाँ जाके डायग्राम से भी इस वीडियो को इसके कनेक्शन के वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसके पूरे सेट इसके अंदर इंस्टॉल कर देता हूँ, फिर आपको बाद में दिखाता हूँ इसके कनेक्शन किस प्रकार होते हैं, बीच बीच में मैं आपको दिखा दूंगा। दोस्तों ये थोड़ी अर्जेंट है इसलिए मैं इसकी पूरी वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, इस बात के लिए मुझे सॉरी। ये बहुत ही अर्जेंट है मोटर, ये किसी चक्की की मोटर है 10 HP की, वो किलोस्कर कंपनी की है, ओल्ड मॉडल है, बहुत पुरानी मोटर है ये, कम से भी कम नहीं तो आज से 50 या 70 साल पुरानी मोटर है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं।